तो वहीं मुसलमानों के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से काम पर लग गए हैं। तेलंगाना के विकाराबाद से ओवैसी ने वक्फ बिल के बहाने जमकर भड़काऊ बयान दिए। ओवैसी ने चैलेंज किया कि अगर बिल ने कानून का शक्ल लिया तो वो देश को 1980 और 90 के दशक में धकेल देंगे। भीड़ को उकसाते हुए ऐलान किया कि हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, मुल्क में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। सुनिए, मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वफ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवारेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा तो क्या आकर नौजवान चुड़िया पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं जईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। ये कानून बॉडी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। सुना आपने ओवैसी को। दरअसल ओवैसी पहले दिन से वक्फ बिल पर टारगेट कर रहे हैं। एक बार फिर ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून बना तो सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मुसलमानों के मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब खत्म हो जाएंगे। वक्फ की जायदादों को मोदी अपने नाम करना चाहते हैं। देश में साजिश का ट्रिगर दबा है और निशाने पर सिर्फ मुसलमान है। आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वफ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानकाओं में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। 100 साल पुराने, अब आके यह कानून बनेगा तो बोलेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं है, रजिस्टर डीड कहां लाओ,